myself Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology, SRKP Government PG College, Kishangarh. आज हम BA Part 3 के Paper 2 Social Anthropology, सामाजिक मानव शास्त्र का First Lesson के बारे में चर्चा करेंगे. सामाजिक मानव शास्त्र क्या है? सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, इन तीन मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा. जिस प्रकार से BA पार्ट फर्स्ट में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन किया गया, ठीक उसी प्रकार से BA पार्ट थर्ड में सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम आज तीन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे. सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र. जैसे हम समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं, समाजशास्त्र दो शब्दों से बना है, सोशियस लैटिन शब्द, लोगस ग्रीक शब्द. सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगस का मतलब साइंस, साइंस ऑफ सोसाइटी. समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है. इसको और हमने परिभाषित किया था, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है. ठीक इसी प्रकार से आज हम सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करेंगे. सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है. सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है. सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, नॉडेल, प्रोफेसर MN श्रीमान, डॉक्टर SC दुबे, M लूसी मेयर आदि की परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है. रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है. सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच डील्स विद प्रिमिटिव और प्री लिटरेट सोसाइटी. इवांस प्रिचार्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और ये केवल आदिम समाजों का अध्ययन नहीं, यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो. सामाजिक मानव शास्त्र आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है. अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र मुख्यतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाता है. इवांस प्रिचार्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों जैसे परिवार, नातेदारी, व्यवस्थाओं, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धतियों इत्यादि का और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है, तथा ये इन सब का अध्ययन समकालीन समाजों या ऐतिहासिक समाजों में करता है, जिसके संबंध में इस प्रकार के अध्ययन को संभव बनाने के लिए प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं. स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों में अध्ययन किया जाता है. प्रोफेसर SF मनाडेल के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदि मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं या कार्य करते हैं समझना है. यह स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम लोगों का उनकी संस्कृतियों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है. प्रोफेसर MN श्रीनिवास के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है, कंपेरेटिव स्टडी है. आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं.
सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर एससी दुबे के अनुसार मानव शास्त्र की अमेरिकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को और अधिक आकर्षित करने की दृष्टि से लूसी मेयर के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, प्रिमिटिव कहे जाते हैं, प्राचीन कहे जाते हैं, या ऐसा समाज जिसकी प्रविधि टेक्नोलॉजी सरल है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ राडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। किंतु यदि हम ऐसे समाजों का अध्ययन करें जिसमें वे रहते हैं, उनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में कुछ सामान्य सिद्धांत सरल उभरते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययनों को महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठनों, सामाजिक रीति रिवाजों एवं सामाजिक व्यवस्था अथवा पूर्ण सामाजिक संरचना में रुचि रखता है। अगले लेक्चर में हम सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।